जैन साथियों, फिलहाल पीआरटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और कैंडिडेट जो बाहर आ रहे हैं इनसे बात करेंगे किस तरह का एग्ज़ाम रहा, क्या सिलेबस है और जैसे जैसे बहुत अच्छा पेपर है और जो पूरा एनसीईआरटी कितने स्कोर की मतलब स्कोर 120 प्लस और जो इंग्लिश थोड़ी खड़े तो एक बार थोड़ी टफ थी जो कोई क्वेश्चन याद हो जीके का करंट अफेयर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन तो ऐसे तो कोई याद नहीं है, मैथ्स वगैरह के तो याद है पूरे। हाँ बताओ फिर कोई मैथ्स में था, एक तो फ्रूट्स पे था और आपका परमेय में था निकालने के लिए और एक आपका सिमिट्री में क्वेश्चन था, सिमिट्री में क्वेश्चन अच्छा था वो और रीजनिंग में क्वेश्चन था, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट का? सिटिंग अरेंजमेंट का एक ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ। और सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेवल है क्वेश्चन का, जो पढ़ाता उसी में फेल मोस्टली। एक चीज़ और बताओ, जो अपना जो सीडीपी का जो पोर्शन है पेडल सीडीपी कैसा आ रहा है? सीडीपी का बहुत अच्छा आ रहा है, जो नॉर्मल है मतलब ज़्यादा मॉडरेट है, मॉडरेट कह सकते हो आप लोग। ऑनलाइन तैयारी की थी? हाँ, अपने अभी सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी। हाँ। और एक चीज़ और बताओ, जो कल कैंडिडेट आएंगे उसको क्या कुछ टिप्स देना चाहते हो? एनसीईआरटी बढ़ गया है पूरी हिंदी के लिए और सबके लिए। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी से। ठीक, किस तरह ऑल ओवर पैटर्न बहुत इजी फ्रेम किए हुए हैं, जो मतलब आपका एनसीईआरटी की बुक्स है ना प्राइमरी लेवल की, उसमें से क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, एज अ चैप्टर में से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए हुए हैं हिंदी के, और ग्रामर है और जो आपकी मैथ्स है ना वो बहुत ईजी है, उसमें पाइप सिस्टम वगैरह किसी के क्वेश्चन नहीं है, क्यूब क्यूबॉइड ये सब है, कुछ सर्कल वर्कल कुछ नहीं है उसमें, ईजी है। और जो पेडागोजी का प्रश्न किस तरह क्या है? पेडागोजी भी बिल्कुल ईजी है, ऐसा नहीं है जो डीएसएसबी की होती है ना एक बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज, वैसे कुछ नहीं है, सारा ऐसा प्रैक्टिकल है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर कर दोगे। और सब्जेक्ट के क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन? सब्जेक्ट मैं कह रही पूरा पेपर जो फ्रेम किया हुआ है ना इजी किया हुआ है, इससे जो लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स पहले जो पेपर फ्रेम किया था ना वो काफ़ी टफ था, इसमें आपकी साइंस भी बिल्कुल इजी फ्रेम की हुई है। और सब कुछ ऑल ओवर उम्मीद लग रही है आपको? देखो अब आप 180 टोटल क्वेश्चन है, 150 तो कम से कम आनी चाहिए, 150 जिस तरह से उसकी तैयारी का टाइम मिला है और जो उसका क्वेश्चन फ्रेम किए हुए इजी, वो काफ़ी ईजी है। और ऑनलाइन तैयारी की कहीं से आपने? मैंने ऑनलाइन और सेल्फ अपनी एनसीईआरटी से ही करती हूँ मैं, क्योंकि इसका पेपर पूरा उसी में से फ्रेम होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जिस तरह का रिव्यू आपको मिला है, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।